वो निर्धारित हुआ हमारे समान मांस और लहू का एक बलिया, और लिखा गया है कि वो हमारा महायाजक जब बना तो हमारे दुख दर्द में वो क्या हो गया, सहभागी हो गया। वो जानता है कि हम कैसे पढ़ के जाते हैं, वो जानता है कि हमारा अनुभव कैसा है, हम किस प्रकार से पीड़ा से गुजरते हैं। फिर भी महत्वपूर्ण देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या इस अनुभव को वो नकार रहा है? उसके मानवीयता का चरम अनुभव को यहां पर हम पाते हैं। कितने ऐसे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। अय्यूब कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मैं सामने देखता हूं वो दिखाई नहीं देता, मैं इर्द-गिर्द देखता हूं वो दिखाई नहीं देता, मैं पीछे देखता हूं वो दिखाई देता दिखाई नहीं देता। कोई तो मुझे उस परमेश्वर से मुलाकात करवा दे ताकि मैं उससे बातें करूं, उसे देखूं, उससे कहूं, उसे प्रश्न पूछूं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया है। कई बार हमारे जीवन में ये प्रश्न होता है, और दाऊद के ये शब्द हैं भजन 22 में, जहां हम जाकर देख सकते हैं और उसको हम थोड़ा से ध्यान देकर पढ़ेंगे भी, जहां पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे शत्रुओं को तो देख निंदा करते हैं, कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, जिसकी तू बड़ाई करता है वो परमेश्वर कहां है, बता वो कहां है, वो तुझे क्या बचाएगा। और यहां भी हम देखते हैं यीशु मसीह को भी लोग ठट्टा में उड़ाते हैं, कहते हैं एली को बुला रहा है, एली आकर इसकी मदद करे। अरे ये बुला रहा है, इसकी कौन मदद करेगा, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। क्या कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सारा दुनिया हमारा विरोध हो गया है, सब कुछ हमारे विरुद्ध में है, सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में है, कुछ भी हमारे साइड में नहीं है, हमारे तरफ में नहीं है, और यहां तक कि लगता है कि परमेश्वर भी चुपचाप हो गया है, शांत हो गया है, और ना हम उसको महसूस कर पा रहे हैं, ना हम उस पर उसकी आहट सुन पा रहे हैं, ना हमें किसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि उसकी उपस्थिति है। अंधकार इतना गहरा है कि अंधकार हमें काटने लगा है। उस परिस्थिति में भी अब यीशु मसीह के जीवन में ये चौथा शब्द हम उभरते हुए पा सकते हैं, और वो शब्द है भरोसा, विश्वास, भरोसा। बहुत ही बलवंत शब्द है, ध्यान से आप इसे अपना हृदय में उतार लें कि यदि चारों तरफ आपके जीवन में अंधकार सा प्रतीत होता हो, सब कुछ आपके विरुद्ध में लगती हो, फिर भी आप विश्वास में मजबूत होने वाले बने, भरोसा में मजबूत होने वाले बने। जिस प्रकार से यीशु मसीह पिता से ये नहीं कहता है, अरे तूने मुझे छोड़ दिया, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। हमें पतरस के समान बनना है, जिसने यीशु मसीह को उत्तर कहा था, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, कुछ भी हो जाए मैं तो तुझे छोड़ नहीं सकता हूं। पतरस ने यीशु मसीह को नकारा और कहा तीन बार मैं इसे जानता नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के पश्चात उसके पास आया कहा पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो उसने क्या कहा प्रभु तू जानता है, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम, अर्थात प्रभु तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, सब कुछ मेरे विरुद्ध में हो जाए फिर भी मैं अपना भरोसा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। यदि आप भजन 22 में अब आएंगे, यीशु मसीह के जीवन को यदि आप देखते हैं तो हमेशा पिता के साथ उसका गहरा संबंध हम देखते हैं। इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वां पद में लिखा गया है कि प्रार्थनाओं के साथ रो रोकर, भारत देश में कहते हैं और एशियन देशों में कहते हैं स्त्रियां रोना चाहिए पुरुष नहीं रोना चाहिए, पुरुष के आंसू नहीं बहना चाहिए। वो पुरुष शब्दों को दर्शाता है कि तुम्हारे आंसू नहीं बहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बार बार बताया गया कि वो क्या किया, रोया, उसकी आंसू बहे। दाऊद के बारे में देखते हैं वो कहता है मैं रात को जब रोता हूं तो लगता है कि आंसुओं के नदियां बन गई है, मेरा तकिया आंसुओं में तैर रहा है, मैं
मैं अपना हृदय को परमेश्वर के सामने देता हूं। मनुष्य प्रार्थना क्यों करता है? मनुष्य प्रार्थना करता है क्योंकि समस्याएं उसे परमेश्वर से दूर नहीं भेजती है, समस्याएं उसे परमेश्वर के निकट लेकर आती है, उसे दूर नहीं कर देती है, वो हियाव नहीं छोड़ता है, वो भरोसा नहीं छोड़ता है, वो अपने स्वामी सृजनहार पर विश्वास कर सकता है। जब आपके जीवन में चारों ओर अंधकार आ जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास एक ज्योति है और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। भजन 22 दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर क्या कहता है अपने पहला पद? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने तू क्यों मुझसे दूर रहता है? दूसरा पद में वो कहता है, हो मेरे परमेश्वर, दिन को मैं पुकार रहा हूं, रो रहा हूं, तू मेरी नहीं सुनता, रात को मैं तेरी ओर फिरता हूं, रोता हूं और मैं चुप नहीं रहता हूं। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि परमेश्वर तू इतना शांत क्यों है? मैं दिन रात रो रहा हूं, मैं दिन रात रो रहा हूं। देखिए, दाऊद ये नहीं कहता अब मैं रोना धोना बंद करता हूं, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा कह रहा है क्या? क्यों? इसलिए क्योंकि उसके हृदय में भरोसा है, उसके हृदय में विश्वास है। अब्राहम के बारे में बताया गया रोमियो के पदरी में, बताया गया कि आशा जब नहीं थी, आशा के विरुद्ध में उसने विश्वास किया, उसका शरीर बूढ़ा हो गया था, ऐसा लगा जैसे कि उसका शरीर मरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर के वचन पर उसने भरोसा किया, परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया। इसलिए वो कहता है, दाऊद कहता है कि तेरे वचन के खुलने से मुझे प्रकाश प्राप्त होती है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियारा है। अर्थात परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मेरा भरोसा तुझसे हिलने वाला नहीं है, मैं चट्टान के समान खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा कोई मनुष्य पर नहीं, रथों पर नहीं, तलवार पर नहीं, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है। और वो कहता है, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन लगता है तू नहीं सुन रहा, फिर भी तीसरा पद में पढ़े, परंतु जो इस्राएल की तू पवित्र है, फिर भी तू पवित्र है, परंतु तू पवित्र है, तू हमारी स्तुति पर विराजमान है। हमें ऐसा लगता है, कई लोग फीलिंग पर जाते हैं, एक स्त्री आई परमेश्वर के दास के पास, मुझे आजकल उतना स्पिरिचुअल महसूस नहीं हो रहा है, मुझे फीलिंग नहीं होता है। कई लोग फीलिंग पर बोल जाते हैं, उनका पूरा जिंदगी फीलिंग पर आधारित है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रहा है। यदि महसूस पर आधारित हो तो आप शरीर के अनुसार चल रहे हो, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हो। आत्मा में चलोगे तो ये महसूस उस फीलिंग के अनुसार नहीं चलोगे। जब फीलिंग भी आपके विरुद्ध में है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे। हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि यदि हमारा शरीर भी हमारा विरुद्ध में हो जाए, इब्राहिम के समान हम खड़े होकर कहें, परमेश्वर ने जो कहा उसके वचन को वो पूरा करेगा। और हम देखते हैं दाऊद स्मरण करता, हमारे पूर्वज, हमारे पिता तुझ पर भरोसा किए, उन्होंने भरोसा किया और तूने उन्हें क्या कर दिया? छुड़ा लिया। वे तेरी ओर मुड़े, तुझे चिल्ला तुझे तुझे तेरी ओर मुड़े पुकारे और तूने उन्हें छुड़ा लिया। पांचवा पद में कहता है, वे तुझ पर भरोसा रखे और वे लज्जित नहीं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो लज्जित नहीं होता है। सारा संसार अंधकार से भर जाए लेकिन मेरा मुंह कभी काला नहीं होगा। वो कहता है, मैं तो कीड़े के समान हूं, मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी ठट्टा उड़ा रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, अपने जुबान से तीर मेरी ओर चला रहे हैं, वो सिर को हिला के कहते हैं, ये यहोवा पर भरोसा रखा क्या वो उसे छुड़ाएगा? ये यहोवा पर भरोसा रखा क्या उसे वो छुड़ाएगा? आओ हम देखते हैं, जिस पर वो भरोसा रखता था, जिससे वो प्रेम करता था, जिसको अपना सुख का मूल उसने जाना, क्या वो उसे छुड़ाएगा? सारा संसार दाऊद का विरुद्ध में हो गया, उसके विरोध में हो गया। वो कहता है 14वां पद में कि पानी के समान मैं उंडेल दिया गया हूं, मेरा हड्डियां हिल गई हैं, मोम के समान मेरा हृदय पिघल रहा है। 15वां पद में कहता है, मेरी ताकत सूख
ईमान मेरे तालू से चिपक गया है। इन सारी बातों के बावजूद वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो परमेश्वर पर से अपना भरोसा नहीं हटाता है। आज ये हमारे लिए एक बल देने की बात है कि यीशु मसीह क्रूस पर लिखा गया है कि दुख सहने के द्वारा उसने आज्ञा पालन सीखा, और लिखा गया वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बन गया। और लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि क्रूस को उसने इसलिए सह लिया क्योंकि वो जानता था कि इसके पीछे आनंद है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, निकालें मेरे साथ इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 3रा पद और 4था पद पढ़े। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को, अपने विरोध में उसने पापियों इतना विरोध सह लिया कि इतना विरोध सह लिया हाँ कि तुम निराश होकर हाँ साहस ना छोड़ो। ऐसा ना हो कि तुम निराश हो जाओ और साहस छोड़ दो। आगे तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुमने पाप के साथ लड़ाई करते हुए इतना तो संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा खून गेत्सेमनी बगीचे में वो पाप का साथ संघर्ष कर रहा था। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह ने जंग को क्रूस पर जीता, जंग को क्रूस पर नहीं जीता। क्रूस पर जंग को जीतने से पहले उसने सबसे बड़ा जंग गेत्सेमनी के बगीचे में जीता, जब उसने लड़ा और कहा प्रभु मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और लिखा गया कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो उसका पसीना खून के समान, इतना गहरा, इतना जटिल, इतना कड़ा उसका संघर्ष पाप के साथ। और वचन में लिखा गया कि पाप के साथ संघर्ष करते हो वे तुम्हारा तो लहू नहीं बहा है। यदि वो क्रूस पर परमेश्वर पर भरोसा रख सकता है और एक मनुष्य के रीति में जिस प्रकार से उसने प्रार्थना किया जिंदगी भर, और वो क्रूस पर भी पिता से कहता है पिता हे मेरे पिता, किसका पिता हे मेरा परमेश्वर, किसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग पूछते क्या परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, क्या ऐसा था। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर पाप बन गया इसलिए पिता ने चेहरा मोड़ दिया, लेकिन वचन में आपको बताना चाहता हूं ध्यान से सुने, लिखा गया कि वो जो धर्मी था हमारे लिए पाप बन गया लेकिन उसके ईश्वरत्व के कारण, उसने जो बलिदान दिया यीशु मसीह क्रूस पर परमेश्वर नहीं था, ऐसा नहीं है, क्रूस पर भी वो परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है गलतियों 2:20 में कि परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक ने प्रचार किया और कहा कुछ थियोलॉजी है कि क्रूस पर परमेश्वर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में चढ़ा, परमेश्वर के रूप में बलिदान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे लिए बलिदान दिया। इसलिए इब्रानियों 9वां अध्याय में लिखा गया कि उसने इस बलिदान को अनंत आत्मा के द्वारा, कैसा आत्मा है, अनंत आत्मा के द्वारा दिया। इसलिए तो आपके अनंत काल का जो नरक का दंड है उसे वो क्षण में सह सकता है। क्यों? क्योंकि अनंत काल का दंड सहने के लिए एक व्यक्ति यदि कहेगा मैं तुम्हारे लिए दंड सहूंगा तो उसे अनंत काल तक सहना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, अनंत आत्मा है, और अनंत आत्मा के द्वारा उसने बलिदान दिया और उसने सारा हमारा जो दंड है अपने ऊपर लिया। इसलिए लिखा गया जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, वो हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि क्रूस पर भी उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर दिखाया। इस बात को दर्शाता है कि उद्धार विश्वास से हटने के द्वारा नहीं होता है, उद्धार केवल विश्वास के द्वारा होता है। जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार प्राप्त करेगा। और दूसरे उसका एक अध्याय में लिखा गया है कि यदि तुम विश्वास में जड़ पकड़ोगे, अर्थात दुख दर्द परेशानी तुम्हें सुखाने ना पाए, जिस प्रकार वो बीज पथरीली जमीन पर गिरा, थोड़ा सा सूरज चमका तो क्या हो गया, वो सूख गया, थोड़ा सा निंदा आ गई। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, सिगरेट पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, और बोला मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, उसकी सेवा करूंगा, क्योंकि
बहुत सुंदर संदेश को सुना, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो कुछ गलती कर रहा था और बाकी विश्वासियों ने उसे मना किया, इस प्रकार की गलती तुम नहीं करना। जब उसको समझाने लगे तो उसको गुस्सा आ गया, वो कहा ये सब बेकार है, इतना तो मैं नहीं चल सकता, इतना तो मैं पवित्रता में नहीं चल सकता, और पहले से ज्यादा बर्बाद हो गया, पहले से ज्यादा शराब में लिप्त हो गया, पहले से ज्यादा वो परमेश्वर से दूर हो गया। पहला एक शैतान और सात और शैतान हमारा जीवन ऐसा ना हमें पाए, लेकिन हम कहने वाले पाए कि कितना भी कड़ा विरोध हमारे जीवन में आ जाए, कितना भी अंधकार सा दिखता क्यों ना हो, हमारे परेशानियां हमें लगता हो कि हमें निगल रही है, फिर भी दाऊद के समान हम कहने वाले बने कि प्रभु तू तो पवित्र है, इज़राइल का पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, तो हमारे स्तुति में विराजमान है, और परमेश्वर अपना सामर्थ को दिखाएगा, अपना भुजबल को दिखाएगा, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं करेगा। ये परमेश्वर का वचन का वायदा है और वो पूरा होगा। ये वाणी के द्वारा यीशु मसीह इस बात को दर्शाता है कि अंधकार फैल जाए, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना छोड़ना, उसको पुकारना, अपने दिल को अंधेर देना, इससे कोई परवाह नहीं कि आप कह रहे प्रभु तू मुझे क्यों त्याग दिया, ये कहने में कोई गलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना, परमेश्वर बात है। यीशु मसीह के विषय में बताया गया कि इन बातों के पश्चात यीशु इस बात को जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, उसने ताकि शास्त्र पूरा हो उसने कहा मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह के इस प्यास के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि प्यास क्यों एक व्यक्ति को जो सूली पर चढ़ाया जाता है क्यों होता है, जो शरीर का अध्ययन करते हैं वो लोग जानते हैं कि यदि बहुत खून बह जाए तो एक व्यक्ति को प्यास होता, और किस प्रकार का ये प्यास है उसको समझाना ये आसान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के प्यास पर फोकस करने से ज्यादा हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूं कब कहा। लिखा गया है कि जब यीशु को पता चल गया कि सब कुछ पूरा हुआ तब उसने कहा मैं प्यासा हूं। ज्ञान देने वाला वही बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सबसे पहले स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी बातें तुम्हें क्या जाएगी, मिल जाएगी। उसने कहा सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता। और यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं जब तक वो दूसरी बातों को करना उसका बाकी था, दुश्मनों को माफ करना, अपनी मां के प्रति, वो जो चोर था उसके प्रति, जो उसकी जिम्मेदारी पिता के साथ जो बयान करना, उन सारी बातें जब तक बाकी थी उसने ये नहीं कहा मैं प्यासा हूं। उसे प्यास नहीं लग रहा था क्या? जब वो क्रूस को लेकर चल रहा था, लोग कहते हैं करीबन 135 किलो का वो क्रूस होता है, पूरा क्रूस लेकर नहीं चल रहा, केवल वो बीम को भी लेकर चल रहा, करीबन 45 से 50 किलो का वो बीम रहता है जिसे लेकर वो गोलगफा के पास गया और उतनी पीड़ा उसको 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 कोड़ों से मारा गया, उतना लहू बहने के पश्चात भी उसका ध्यान उसके शरीर के दर्द की तरफ नहीं गया, उसका ध्यान उसके शरीर के प्यास की तरफ नहीं गया जब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हो गया कि जो पिता ने कहा है उसको मैं पूरा कर दिया। इसलिए बताया गया चेलों ने जब यीशु मसीह को स्मरण किया कि जब वो मंदिर में जाकर क्या किया, उनको स्मरण आया, वो वचन स्मरण आया जहां लिखा गया तेरे घर का धुन, परमेश्वर का जो धुन है उसने मुझे निगल, The zeal of the Lord has consumed me. परमेश्वर का घर का जो जलन है, आप कह सकते हैं उसका धुन है, उसका जुनून है, उसके प्रति जो तीव्र इच्छा है, परमेश्वर के प्रति जो प्यास है और भूख है, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए प्राथमिक है, उस भूख और उस प्यास के सामने मेरा
वो कुछ नहीं रखता है, इनका कोई मोह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो अनंत विरास मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो स्वर्ग राज्य के पीछे मैं चल रहा हूं। और यीशु मसीह के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, जब वो शारीरिक रूप से कहता है मैं प्यासा हूं, उससे पहले हम देखते हैं कि उसका प्यास केवल परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति में पूरा हो जाता। यदि उसको बहुत जम के भूख भी लगे, बहुत जम के प्यास भी लगे, यदि वो परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरी कर देता है तो उसे फिर भूख और प्यास नहीं लगता है। हालेलुया। आप पूछेंगे ये कैसा मालूम है? योहन्ना चौथा अध्याय देखते हैं, यीशु मसीह जाकर लिखा गया कि उसको प्यास लगी, वो कुएं के पास बैठ गया और सामने स्त्री आई और बोला मुझे कुछ पानी पीने को दे। वो स्त्री पानी तो दी नहीं, लिखा क्या पानी दी? पानी दी करके लिखा ही नहीं कहीं भी। यीशु मसीह से बातचीत करने लगी और यीशु मसीह सुसमाचार देने लगा, उसको उसके जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके जीवन के बातों को बताने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में सारा संसार कहता है यह तो व्यभिचारी नहीं है, ये वैश्य है, इसका कोई काम नहीं है, स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकती है। उसको यीशु मसीह कहता है तू मुझे मांगेगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। इंसान कहता है इसको कोई जान नहीं है, इसको मरने दो, ये नरक में जाएगी। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। यदि तुझे मालूम रहता कि तू किससे बात कर रही है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। वो स्त्री यीशु मसीह की बातों को सुनकर, पूरा समय नहीं है पूरे बातों को बताने के, लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से उसके जीवन के बारे में बताता है। वो स्त्री इतना एक्साइटेड हो जाती है, घड़ा वड़ा सब छोड़कर गांव भाग जाती है और सबको बोलने लगती है अरे देखो कौन आया है, क्या ये मसीहा तो नहीं है। वो बोलने के लिए वहां निकली और यीशु मसीह के चेहरे वहां पहुंच गए और कहने लगे प्रभु जी कुछ खा ले, प्रभु जी तू कुछ खा ले। और यीशु मसीह क्या कहता है मेरे साथ निकाले, योहन्ना चार, बहुत ही सुंदर बातें शब्द है वहां पर, योहन्ना चार उसका 32वां पद पढ़े। परंतु उसने उससे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं अरे यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को प्यास लगी, लेकिन अचानक से भूख प्यास गायब कैसे हो गए? ये भूख प्यास गायब कैसे हो गए? देखिए क्या लिखा गया आगे चढ़कर आप 34वां पद पढ़े। यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वालों की इच्छा के अनुसार और उसके काम पूरा करूं और उसके काम को क्या करूं पूरा, उसके काम को मैं पूरा करूं। अर्थात जब तक पिता का काम पूरा नहीं होगा मुझे कोई भूख नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। पौलुस कहता है भूख में, उपवास में, पीड़ाओं में, दर्द में भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। लेकिन शैतान मनुष्य के दिमाग को वही लेकर जाता है जहां पर परमेश्वर नहीं चाहता है कि वहां जाए। लिखा गया पेट खाने के लिए और खाना पेट के लिए, लेकिन दोनों को बर्बाद परमेश्वर कर देगा। यदि आप अपने पेट की सेवा करते हो, पेट ही आपका ईश्वर है, शरीर में मन लगा हुआ है, रोमियो 8 में लिखा गया जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा के अनुसार जो चलता है वो आत्मा के द्वारा शरीर के वासनाओं को, शरीर की इच्छाओं को क्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। यीशु मसीह ने कहा केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। आपकी जीवन की प्राथमिकता क्या है? शब्द इस पर ध्यान दे, परमेश्वर का धुन, धुन या उसकी जुनून या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की की कामना, धुन। आपका धुन क्या है? आपको कौन सा धुन खाए हुए है? आपको कौन सा धुन दौड़ा रहा है? कुछ लोग पैसे कमाने के धुन में लगे हुए हैं कि परमेश्वर को भूल गए,
जवान रोमांस में इतना खो गए हैं कि ईश्वर को भूल गए हैं। कौन सा धुन आपको खाए हुए हैं? कौन सी बात है जो आपको परमेश्वर के संगति में आने से रोकती है? कौन सी बात है जो आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है? कौन सी बात है जो आपके हृदय को मंडली में बैठे बैठे थी दूसरे जगह घुमाती? कई लोग मंडली में बैठे हैं, प्रचारक चिल्ला चिल्ला का प्रचार कर रहा है, लेकिन उनका दिमाग पूरा वर्ण में घूम रहा, पूरा वर्ण में, कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा, बाद में अचानक से होश आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बोलते पाली क्या बोलता हमको समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता है कि तुम्हें कोई दूसरा धुन खा रहा है। आपको कौन सा धुन खा रहा है? कौन सा धुन आपको लेकर जा रहा है? यदि आपका धुन परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का राज्य है, तो आप यीशु मसीह के समान बनेंगे। उसने कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन उसका मुख्य प्यास शारीरिक नहीं, उसका मुख्य प्यास परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। हग्गई की पुस्तक यदि आप देखेंगे, हम समाप्त करेंगे हग्गई की पुस्तक इस वचन को, उसके प्यास के बारे में, उसके वचन के बारे में, उसके भूख के बारे में। हग्गई की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका छठवां पद, उसका चौथा पद पढ़े। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। दूसरा पद में यदि आप देखेंगे, लोग कह रहे हैं अब समय नहीं आया, और समय बाद में आएगा। अब समय नहीं है कि यहोवा का घर हम बनाए, परमेश्वर का घर बनाने का अब समय नहीं है। हमें अपना घर पहले, एक भाई साहब इंजीनियर है, उनका पेमेंट करीबन उस जमाने में 50-60 हजार रुपया पर मंथ, बाद में करीबन 1 लाख का है। लेकिन उस जमाने में एक पादरी साहब ने उनसे कहा आप टाइट दीजिए, परमेश्वर के घर में आपको टाइट देना है। देखिए नया नियम में टाइट केवल मिनिमम है, उससे ज्यादा देना है। नया नियम की कलीसिया के बारे में बताया, सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पैर के पास लेकर आए, तो टाइट केवल मिनिमम है, पुराने नियम के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। सो उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया, पादरी साहब ने कहा आपको अपना टाइथ देना है, अर्थात यदि 60,000 आपका पेमेंट है तो एग्जैक्टली 6,000 लाकर टाइथ देना। उसने कहा टाइथ दे दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? टाइथ दे दूंगा तो मेरे बच्चों का, जितना ज्यादा टाइथ देना पड़ेगा उतना परेशानी। आपके पास यदि 10 रुपया तो 10 रुपया प्रभु को दे देना बहुत आसान है, लेकिन 10,000 है तो 10,000 का टाइथ देना मुश्किल है। 10 लाख है तो और मुश्किल हो जाएगा, 10 करोड़ है तो और, इतना चर्च को दे दूंगा तो उनका अच्छा हो जाएगा, मेरा क्या होगा? तो आप उस व्यक्ति के समान हो जिसके पास एक कचोड़ा मिला गया तो जाकर जमीन में गाड़ दिया, बोलेगा यदि मैं इसमें 2 बना दूंगा तो मेहनत मेरे नहीं और लाभ किसका हो गया? मेहनत तो मेरा, लाभ किसका? स्वामी का। कई लोग का एटीट्यूड ऐसा है, मेहनत हम कर रहे, लाभ किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का भी नहीं होना चाहिए लाभ, परमेश्वर का भी, परमेश्वर का राज्य का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। जो मेरा मेहनत मेरा पॉकेट में जाए। और परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है तू दुष्ट है, तू आलसी है, अंधकार में तू जाएगा। वचन में लिखा गया है, क्या तुम कहते हो अब समय नहीं है? जब रिटायर्ड हो जाऊंगा, जब कोई काम का नहीं होगा, तब प्रभु के लिए काम दूंगा, उसका घर बनाऊंगा। वो कहता क्या अब तुम्हारे लिए समय है कि तुम छत वाले घर में रहो जबकि प्रभु का घर उजाड़ पड़ा हुआ है? क्या तुम्हारी दशा ऐसी है? और वो कहता है हग्गई उसका छठवां पद में, पहला अध्याय छठवां पद में वो कहता है तुमने बहुत खोया, कम काटा, बहुत खाया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ, पिया लेकिन फिर भी प्यासे रह गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में लगा हुआ है। तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होते हो, पैसा कमाते हो लेकिन डॉक्टर के पॉकेट में भेज दे, कोई काम का नहीं, पृथ्वी पर नहीं इकट्ठा कर सकते, इकट्ठा भी किया तो क्या कीड़े लग जाएंगे, स्वर्ग में भी कोई फल नहीं है, कंगाल के कंगाल पड़े हुए। लेकिन वो कहता आज से, यदि आगे पढ़कर आप देखेंगे, वो कहता तुम जाओ पर्वत में लकड़ी लेकर आओ, घर को बनाओ ताकि मैं आनंदित हो जाऊं, मैं महिमा को प्राप्त
वो कहता है आगे चलकर दूसरा अध्याय में, इस दिन से जिस दिन से तुम देने लगे हो, प्रभु के लिए देने लगे हो, प्रभु को पहला स्थान देते हो, प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए हो, उस दिन से तुम गिरो और देखो कि आज इस दिन से मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा, इस दिन से मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा। प्रभु चाहता है कि हम उसको प्राथमिकता दें। यीशु मसीह को हम देखते हैं, उसने कहा मैं प्यासा हूं, कब कहा? जब उसको पता चला कि जो पिता ने मुझे काम दिया था उसे मैंने पूरा हालेलुया। परमेश्वर ने जो मुझे कहा है वो मैंने पूरा किया है। इस संसार की ओर अपना ध्यान न लगाए, स्वर्ग राज की ओर अपना ध्यान लगाए। उसकी प्यास यदि आपके जीवन में है, परमेश्वर यदि आपको तृप्त करता है तो संसार की तृप्ति की कोई जरूरत है। यीशु मसीह को सिरका दे दिया, यीशु मसीह ने सिरका नहीं लिया, क्योंकि उसका प्यास इन बातों से पूरा नहीं होता है, उसका प्यास परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा को पूरा करने से होता है। वैसा ही कामना और इच्छा हमारे हृदय में होने पाए। कुछ शब्दों पर वर्णन कर रहे हैं जो यीशु मसीह के सात वाणियों से हमें प्राप्त होती है, जिसकी समझ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि हर व्यक्ति के जीवन में शांति का जीवन व्यतीत करना क्षमा के द्वारा शुरू करके आवश्यक है। हमने इस बात को देखा कि आशा होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और एक धुन, कौन सा धुन आपको खाए हुए है, जो मोटिवेशन आपको, कौन सा चीज मोटिवेट कर रहा है, कौन सा चीज आपको उत्साहित कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग संसार में है, उनके जीवन में कोई धुन नहीं और उनका जीवन बहुत बोरिंग रहता है। थोड़ा देर यदि अकेले बैठा दो तो बोलेंगे बहुत बोर, आज का दिन बहुत बोरिंग। यदि आप सचमुच में मसीह व्यक्ति हो तो आपका जीवन में ये बोरिंग शब्द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कहेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें क्या होना है? आनंदित होना है। यदि प्रभु का आनंद आपके हृदय में है तो बोरिंग, खालीपन, सुनसुनापन, ये सारी बातों के लिए कोई जगह नहीं। अपने शब्द मुंह से कभी ना निकाले, मैं बोल रही हूं एक प्रभु का दास के मुंह से मैंने सुना था, जो लेक्चरर था उसने कहा सर मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे कोई सिनेमा, कई लोग को बोर लगता है तो सिनेमा देखते हैं, कुछ लोग को और ज्यादा बोर लगता है तो खा लेते हैं बहुत सारा चीज, कुछ लोग को बोरिंग लगता है तो शॉपिंग करने चले जाते हैं, कुछ लोग को बोर लगता है तो इधर उधर का बातें बोलना चालू कर देते हैं। प्रभु का आनंद तो दिल में नहीं है, प्रार्थना तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका पैर स्थिर नहीं रह सकता है। लेकिन प्रभु आज हमें सिखाता है कि सचमुच में यदि प्रभु का धुन है, प्रभु की आशीष हमारे हृदय में है, सचमुच में प्रभु का आनंद हमारे हृदय में है, उसके घर के प्रति जुनून हमारे हृदय में है, तो हम सांसारिक बातों से नहीं तृप्त होंगे, हम परमेश्वर से तृप्त हो जाएंगे। सो अब हम देखेंगे छठवीं वाणी, हमने पढ़ा अभी यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरा हुआ। यीशु मसीह ने सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, सिरका पिया नहीं, लिखा गया सिरका लिया, लेकिन बाद में हम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब उसने चखा तो उसे क्या कर दिया, टुकरा दिया। सो हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और इस शब्द से, इस वचन से जो शब्द उभर कर आता है वो है उद्देश्य पूर्ति। क्या उद्देश्य पूर्ति? हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। एक परमेश्वर के दास रिक वैरन ने पुस्तक लिखा पर्पस ड्रिवन लाइफ, है ना? आपके जीवन में उद्देश्य होना चाहिए जो आपके जीवन को दिशा देती है। क्या मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर का कोई व्यक्तिगत इच्छा होती है या सबके लिए एक इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए है। क्या कि वो भलाई को जाने, भलाई के अनुसार जाने? और हम देखते हैं तिमोथियस के पत्री में पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के जीवन व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन से संबंधित उद्देश्य भी है। क्या आप अपने उद्देश्य को जानते हैं कि आप धरती पर क्यों है? क्या आपने कभी प्रश्न किया मैं यहां क्यों हूं, मैं पैदा
मैं अमेरिका में पैदा, बोला आप इंडिया में क्यों पैदा हो गए, अफ्रीका में पैदा क्यों हो गए। सो हमें समझना है कि हम धरती पर क्यों हैं। लिखा गया है कि परमेश्वर ने हर एक को इतिहास के कोई बिंदु पर, भूगोल के कोई बिंदु पर रखा है, उसके उद्देश्य है। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के कार्य उसका 17वां अध्याय, जल्दी से निकालें प्रेरितों 17 और उसका 26 पद पढ़ें। उसने एक ही मूल से मनुष्यों के हर एक जाति को बनाया, धरती पर रहने के लिए बनाई है। हाँ। और उनके ठहराए हुए समय और विवाद की सीमाओं में इसलिए उनके ठहराए हुए समय अर्थात इतिहास में उनका बिंदु आता, कौन सा दिन उसे पैदा होना है, कौन सा वर्ष उसे पैदा होना है, समय के सीमाओं को और रहने के सीमाओं को उसने क्या कर दिया, बांध दिया, आगे निर्धारित किया, ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे। देखिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर को जाने, आगे ताकि तुझे कठोर कर पाए। हाँ, वो भी वह हमें से किसी से दूर नहीं है। सो लिखा गया है कि हमारे समयों को परमेश्वर जानता है और उसने निर्धारित किया कि कौन सा समय में हम पैदा हो और कहां हम पैदा हो और कहां हम जिए और हम क्या करें। हर एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य है। क्या आप उस उद्देश्य को पूरा अपने जीवन में कर रहे हैं? परमेश्वर को जानना ये मुख्य उद्देश्य है, लेकिन साथ साथ हमारे प्रतिदिन के लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य है। हम देखें भजन उसका 139 139 और 16 पद पढ़ें। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हाँ, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे बेडोल तत्व को तेरे आंखों ने देख लिया। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, हाँ, मेरे रचे जाने से पहले से इस पुस्तक में लिखे हुए थे। आगे मेरे लिए तेरे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। एक अनुवाद में लिखा गया, मेरे हर दिन रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिख दिए गए। अर्थात परमेश्वर की अपेक्षा है, निर्धारित नहीं है। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपके कार्यों को, आपके एक्शंस को निर्धारित नहीं करते। कुछ लोग सिखाते हैं परमेश्वर ने निर्धारित किया कि आदम और हवा फल को खाएं, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फल को खाएं। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पाप किया। यदि आदम और हवा पाप नहीं करते तो यीशु मसीह जगत में कैसे आता। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं परमेश्वर पाप को निर्धारित नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या करता है, पूर्व ज्ञान है। उसने ये निश्चित किया कि हर एक व्यक्ति का जीवन कैसा जिया जाना चाहिए। उसके पुस्तक में अपेक्षा की दृष्टि से लिखा गया कि इस दिन इसके जीवन में क्या होना चाहिए था, लेकिन वो परमेश्वर के मार्ग से भटक सकता है। शायद आपके लिए आज का दिन परमेश्वर की अपेक्षा कुछ दूसरी है, लेकिन आप शायद उसके उस इच्छा के अनुसार नहीं है। फिर भी यदि हम पिता के पास आते हैं तो वो हमें बहाल कर सकता है, वो हमें पुनः निर्धारित कर सकता है, स्थिर कर सकता है, स्थापित कर सकता है। लिखा गया कि मेरे हर दिन तेरे पुस्तक में लिख दिए गए हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य है। एक व्यक्ति ने कहा, साइकोलॉजिस्ट था विक्टर फ्रैंकल, उसने कहा कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है कि मनुष्य अपने जीवन का अर्थ नहीं जानता। यदि मनुष्य को मालूम हो जाए कि उसका जीवन का अर्थ क्या है, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करेगा। देखिए, आप अपने उद्देश्य को निर्माण नहीं कर सकते अपने दिमाग से। हमें अपने उद्देश्य को जानना है कि आपको प्रभु ने जहां भी रखा है क्यों रखा है, आप उस परिवार में क्यों हैं, आप उस जगह में क्यों हैं, आप उस नौकरी में क्यों हैं, आप इस परिस्थिति में क्यों हैं, आप इस जगह में क्यों हैं। ध्यान दें, लिखा गया है कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। यदि आपने पिता से रोटी मांगी तो वो आपको पत्थर नहीं देगा, यदि आपने उससे मछली मांगा तो वो आपको सांप नहीं देगा, अंडा मांगा तो बिच्छू नहीं देगा। अर्थात यदि सचमुच परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, उसके मार्ग में बना रहना आपका उद्देश्य है, तो प्रभु आपके पथ आपके मार्ग का निर्देशन करेगा। He will direct your path.
परमेश्वर आपका मार्ग पर दर्शन करेगा, आपको लेकर जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर के प्रेम से आप दूर है, मार्ग भटक गए हैं, तो आवश्यकता है कि मार्ग पर वापस आ जाए, उसके उद्देश्य को जानने की कोशिश करें। यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया। सच्ची संतृप्ति इसी में है कि आपका उद्देश्य पूरा हो। यीशु मसीह ने कहा 15वां अध्याय यूहन्ना का कि जब तुम फल लाओगे, फलवंत होगे, तुम्हारा जीवन फ्रूटफुल होगा, तब तुम सच्ची आनंद को महसूस करोगे। कोई भी बांझ स्त्री आनंद को महसूस नहीं करती है, लेकिन जब उसे बच्चा होता है तो उसका जीवन में सबसे आनंद का दिन हो जाता है। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी, हर एक मसीही, हर एक परमेश्वर के जन के लिए प्रभु का उद्देश्य है कि वो फलवंत हो, उसका जीवन सफल हो। अर्थात प्रभु का उद्देश्य उसके जीवन में जो है वो पूरा हो जाए। ध्यान दें, हम अपना उद्देश्य को स्वयं अपने दिमाग से सृज नहीं सकते, उसकी सृष्टि नहीं कर सकते। हमें पहचानना है कि प्रभु ने हमें क्या, किस उद्देश्य से बुलाया है। शब्द महत्वपूर्ण है, बुलाहट। हर एक विश्वासी के जीवन में बुलाहट है। रोमियो का 12वां अध्याय यदि देखेंगे तो हर एक विश्वासी के लिए वरदान बताया गया है कि आपको वरदान दिया गया है। वो वरदान आपके बुलाहट का पहचान आपको देता है। आप कुड़कुड़ाने वाले ना बने, कुड़कुड़ाने वाले ना बने, ये ना कहें कि ये ठीक ठाक नहीं हो रहा, वो ठीक ठाक नहीं हुआ। यदि प्रभु ने आपको वरदान दिया है तो वहां आप जाएं और आप अपना अनुदान दें, अपना कार्य का अनुदान दें, अपना धन का अनुदान दें।